सो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है? हमको ना बच्चों प्लेन में पढ़ना होगा रिलेटिव मोशन को। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो किस तरह समझाया जाएगा, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई रिवर है हमारे पास, पे अटेंशन एवरीवन। मान लो कोई रिवर है और ये उसका बैंक है, ठीक है। बैंक मतलब कितनी विड्थ होगी रिवर की आपकी। तो लेट अस अज्यूम दैट द विड्थ ऑफ द रिवर इज डब्लू, क्लियर। और रिवर किसी एक डायरेक्शन में बच्चों ऐसे करके चल रहा होता है ना, ऑलवेज मूविंग, नॉट लाइक अ लेक। तो देर हैज टू बी सम वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो उसको अपन वेक्टर से शो करेंगे। और बच्चों सिंपल, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये रहेगा आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां तक का क्लियर है बच्चों? देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर्स में, कोई एक स्विमर है यहाँ पर, स्विमर हो सकता है, कोई बोट हो सकता है, या एनीथिंग कैन बी, है ना, जिसको भी क्रॉस करना हो, मोटर बोट हो सकता है। तो हाल फिलहाल मैंने स्विमर लेके रखा है। स्विमर वॉन्ट्स टू गो टू द अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो क्या कर सकता है ये? तो दो कंडीशन होती हैं। पहले बार ये बोलेंगे कि इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है। और दूसरा हो जाएगा बच्चों, इसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना होगा। तो ये डिस्टेंस इसे छोड़ के ऐसे कहीं जाना शुरू कर देगा, ताकि इसको रिवर का भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सब बातें अपन डिफरेंट डिफरेंट केस में कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये समझ लो अपन पहला केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है ना बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पार करना है उसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सेंस, इमेजिन करो बच्चों, अगर मैं अपने मैन को ये स्ट्रेट, अगर यहाँ पे इसको बोल दूं भाई तो यहाँ जंप मार ले, इसको अगर अपन बोल दें स्ट्रेट ऐसा जंप मार लो, तो क्या ये स्ट्रेट रह पाएगा? बिकॉज रिवर का फ्लो तो ऑलरेडी है, तो वो उसको कहीं और डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, है ना। बात समझ रहे हो? मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो स्ट्रेट स्ट्रेट जा थोड़ी पाऊंगा बच्चों ऐसे करके। आई विल नॉट बी एबल टू गो स्ट्रेट बिकॉज रिवर इज ऑलरेडी मूविंग। तो मैं ये थोड़ा बहुत ऐसा टिल्ट करके ना बच्चों ऐसे निकल जाऊंगा, बात समझो मेरी, ऐसे करके चले जाऊंगा मैं यहाँ कहीं। तो व्हाट व्हाट दिस मैन डज, वो अपने आप को ना, देखना सब लोग बच्चे, व्हाट दिस मैन डज, वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ प्रोजेक्ट करता है, ताकि टाइम के साथ साथ वो अपने आप को इस तरह से करते करते, समझ रहे हो बच्चों बात को, ऐसे करते करते एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचा दे। स्टार्टिंग कर रहा है ये ए से, जाना इसको बी पर है, ए और बी का डिस्टेंस बच्चों डब्ल्यू है। यहां तक का क्लियर हुआ सबको? कोई एक एंगल लेके वो थ्रो कर देगा अपने आप को, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वी भी लिखते हैं, या स्विमर लिख सकते हो, या मैन लिख सकते हो। यहां तक का समझ में आना चाहिए सब बच्चे लोगों को, आ रहा है क्या? और ऑलरेडी आप लोगों के पास बच्चों ये रिवर थी, है ना, ऑलरेडी हमारे पास क्या था, रिवर था। वेक्टर्स की क्लास अगर अपन अटेंड करते हैं तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में आएगा ना, तो एंगल थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना होता है इसको, है ना, एंगल थोड़ा इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना होता है। एक मिनट रुको, ओके, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर वी बी दिख रहा है और ये वी आर दिख रहा है। इस सेम सेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन शुड बी, सब लोगों को ये वी बी समझ में आना चाहिए। और बच्चों इस वी बी के ना दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों इसको रिजोल्व करके दिखाओ मुझे, तो देखो ये वी बी अगर बनता है तो आप बोलोगे सर इसके दो कॉम्पोनेंट सॉल्व करके दिखा दीजिए इसको। तो एक हो जाएगा बच्चों सामने की तरफ बन जाएगा, और एक इसका बैकवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा। क्यों ऐसा बनाने की बात कर रहा हूं मैं? Why I'm telling all these things? Because ये मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। बच्चों समझ में आया क्या? तो ऑब्वियसली वी बी का थीटा के साथ क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर जी वी बी कॉस थीटा बन जाएगा, और बैक साइड में क्या बन जाएगा? वी बी साइन थीटा। वेक्टर की क्लास में आपको ये मालूम होता है दैट वी कैन मूव द वेक्टर, है ना, नॉट रोटेट। आई कैन नॉट रोटेट द वेक्टर, आई कैन जस्ट मूव इट। तो देखो वी आर को अगर मैं ले करके यहाँ साथ में आके रख दूँ फॉर जस्ट स्टडी पर्पज, तो राइट साइड में कौन जा रहा है? वी आर।
बच्चों ये जस्ट लाइक अ टग ऑफ वॉर गेम हो जाता है कि ऑन द एक्स एक्सिस एक तरफ रिवर का वेलोसिटी है और एक तरफ मैन का वेलोसिटी का साइन कॉम्पोनेंट है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और तब ये सीधा आगे निकल जाएगा। इतना सिंपल होता है। सो इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए मेथड वन है बच्चों, ये जो एंगल के रिस्पेक्ट में सॉल्व की जाती है। ठीक है, फर्स्ट मेथड बहुत अच्छे समझ लो, अपना काम हो जाएगा बहुत आसानी से, है ना। मेथड वन में अपन ये करते हैं दैट द बोट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पाथ, विद द ये स्ट्रेट पाथ के थीटा एंगल के साथ ही क्या करता है, थ्रो कर देता है। ठीक है, नाउ वी बी साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, वी आर के हो जाएगा। और बच्चों जो एक्चुअल वेलोसिटी जो उसको क्रॉस करवा रही है रिवर के बैंक को, वो कौन सी हो जाएगी? तो बोलोगे सर वो ये रहेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना टाइम लगना चाहिए उसको क्रॉस करने में, टाइम टेकन, anybody has any idea? Time taken to cross the river, time taken to cross the river, class 11, कितना टाइम लगना चाहिए क्रॉस द रिवर को इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? जल्दी बोलो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो टाइम की जगह टी हो जाएगा और डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है इसको डब्लू। एग्जैक्ट ऑपोजिट जाने के लिए बच्चों इन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, रेन की जो रेन बोल रहा हूँ रिवर की जो स्पीड है उसको काउंटर करा रहे हैं वी बी साइन थीटा से। नहीं करा पाएंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा चला जाएगा, बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले ये चीज समझो कि ये होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो डब्लू अपॉन कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो, तो हो जाएगा बच्चों वी बी कॉस थीटा। ये एक सिंपल सा आंसर होता है जो बच्चों लोगों को पता होना चाहिए। अगर एंगल से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो ये इस तरह सॉल्व होगा। इसका सेकंड मेथड होता है वो नेक्स्ट पेज बताता हूं बच्चों। हम अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पेपर में हो सकता है ऐसा कि आपको एंगल वगैरह ना दे सामने वाला। यहाँ देखो एंगल दे रखा है, मान लो 30 डिग्री दे देगा, 45, 37 कुछ भी दे सकता है, एंगल देगा। ध्यान रखना कि सर ने मेथड वन करवाई हुई है। सेकंड मेथड बच्चों अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वो सेम क्वेश्चन में बनाता हूं पहले, तो मेथड नंबर टू यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट पे अटेंशन। वी हैव अ रिवर लाइक दिस, ध्यान से देखें सब, एंड अ मैन और अ स्विमर वुड लाइक टू गो जस्ट ऑपोजिट टू द बैंक, और इसी बैंक का जो विड्थ है बच्चों वो W हो जाता है। W की जगह कई जगह पे T भी लिखा रहता है या X भी लिखा रहता है, मैं W मतलब विड्थ ऑफ द बैंक बता रहा हूँ। हमें जाना है बच्चों A से लेके B पॉइंट तक, एंड यू कैन सी दैट रिवर इज ऑलरेडी फ्लोइंग लाइक दिस। ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा तो सबसे पहली बात क्या बनाओगे डायग्राम में? आप बोलोगे सर रिवर का वेक्टर बना लेते हैं, और क्या बना सकते हैं अपन, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रह जाएगा। आपको पता है बच्चों कि डायरेक्टली उस पार जाना है उसको ऑपोजिट, तो उसको थोड़ा टेढ़ा कूदना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ना, तो बोलो भाई। तो ये हो जाएगा बच्चों आपको होगा वेलोसिटी ऑफ बोट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप सब लोगों को ट्रायंगल लॉ पढ़वाया गया है ना बच्चों, तो ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करोगे ना अगर, तो ये रिवर वाले वेक्टर को ना यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब पूरी क्लास को पता है ट्रायंगल लॉ क्या होता है, एक वेक्टर का नाम वी आर है, एक वेक्टर का नाम वी बी है, और ट्रायंगल की दो साइड पे इनको रख दिया है, बताओ रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? जल्दी बताओ। द रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, द थर्ड साइड कनेक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसका नाम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, बोलो, बोट विथ रिस्पेक्ट टू, कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं आनी चाहिए, है ना। तो बस काम हो गया अपना इतने से पढ़ के ही। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ बताओ मुझे वी बी आर कितना होगा,
एनीबडी हैज एनी आइडिया? ट्रायंगल लॉ का मतलब होता है बच्चों, ये दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिजल्टेंट बना देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वी बी का वेक्टर प्लस वी आर का वेक्टर। बच्चों गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ होना चाहिए वी बी का वेक्टर प्लस वी आर का वेक्टर, दोनों का सम करके आ रहा है। दूसरी बात, क्या मैग्नीट्यूड होगा, है ना, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड? तो पूरी क्लास जानती है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बच्चों। मॉड लगाया या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा, रूट लगाया, बताओ यहाँ पे पाइथागोरस लगा, बताओ ये कितना आएगा? एनीवन? अरे यहाँ पे पाइथागोरस लगा के बताओ कितना आएगा ये? वी बी का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस ये वाले टर्म, है ना, वी आर का स्क्वायर। तो इससे काम हो गया। अब आप लिख सकते हो हियर टाइम टेकन, पे अटेंशन बच्चों, टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लग जाएगा रिवर क्रॉस करने में? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, डिस्टेंस लिखते हो, डिवाइड करते हो वेलोसिटी के साथ, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस की जगह पे डब्ल्यू हो जाएगा, और वेलोसिटी की जगह पे बच्चों वो होगी वेलोसिटी जो रिवर क्रॉस करवाने में हेल्प कर रही है, मतलब वी बी आर हो जाएगा, विच मीन्स दैट डब्ल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर वी बी का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर। बच्चों एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन, जब आपको एंगल वेंगल नहीं दे, ऐसा बोल दे कि रिवर चल रहा है 5 की स्पीड से, मैन आया 9-10 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा आंसर, तब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट टू नो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बड़ा इजी है बच्चों, अगर एंगल दे देगा तो रिजोल्व करके सॉल्व होता है। 11th क्लास के बच्चों, अगर एंगल देगा तो रिजोल्व करके सॉल्व होगा, ये याद रखें इस बात का, और उसमें रिवर की जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर आनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको सिर्फ वेलोसिटीज देगा तो ये ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, अब वी बी आर निकालोगे, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड देन एट द लास्ट आपको मालूम ही है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो आई हैव केम टू अ कंक्लूजन दैट माई टाइम इज टाइम टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ जस्ट अपोजिट टू द बैंक ऑफ द रिवर विच हैज अ विथ डब्ल्यू, इट शुड बी डब्ल्यू डिवाइड बाय रूट के अंदर वी बी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। सो बच्चों इसका सेकेंड केस पढ़ लेते हैं अपन। तो अब हम बात कर रहे होंगे कि जो मैन है या स्विमर है या कोई बोट है, उसको ना बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है उस तरफ। अब शॉर्टेस्ट टाइम तो क्या करना होगा, इसको जल्द से जल्द जाना है, विच मीन्स दैट वो भूल जाएगा उसको कि उस पार बस पहुंचना रहेगा, एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं जाना रहेगा उसको, इतनी जल्दी नहीं रहेगी, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास रिवर है इस तरह से फ्लो करता है, पे अटेंशन बच्चों, बड़ा सिंपल सा केस है ये, ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। तो अगर मान लो ऐसे करके अपना रिवर फ्लो करता है, सो वॉट द फर्स्ट थिंग वी ड्रॉ यूजली, हम बच्चों रिवर बनाते हैं, तो इसको कहोगे आप लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर, और बैंक जो हो रहेगा वो डब्ल्यू विड्थ का रहता है। नाउ यू हैव अ पर्सन लाइक दिस, और ये जो मैन है इसको रिवर क्रॉस करना, ठीक है। अब जरूरत नहीं है इसको ए पॉइंट से कहाँ जाना है, इसको एग्जैक्ट बी पर जाना है, उसको केवल रिवर क्रॉस करनी है। इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द आउटर साइड, रियल लाइफ में अगर रिवर चल रही होगी, आप कूद जाओगे तो आपको कहीं ऐसे कहीं लेके चली जाएगी बच्चों, राइट? तो वही काम यहाँ करना होगा। वी विल टेक एडवांटेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर। व्हाट द मैन डज इज, ये जो मैन होगा ना बच्चों, ये एग्जैक्ट सीधे जंप मार देगा, सीधे जंप मारने या इसको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट बच्चों सीधे यहाँ आ जाएगी। जस्ट बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ यू कैन टेल द आंसर। ये रिवर है, इसको ला करके यहाँ पे रख लो और देखो, आप अच्छे से देखो बच्चों, सबको दिख रहा होगा ट्रायंगल लॉ लग रहा है यहाँ पे, देखो किस किस को समझ में आया ट्रायंगल लॉ लग रहा है यहाँ पे। एक साइड का ट्रायंगल, ये साइड, ये ट्रायंगल की दूसरी, ये थर्ड कौन सी हो जाएगी बच्चों,
इट हैज टू बी दिस साइड, और फिर जो आपका जो बोट होगा या स्विमर होगा बच्चों, वो ऐसे करके आगे निकल जाएगा और यहाँ कहीं पहुंचेगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग आउटर पॉइंट एट बी, बच्चों को इसी सी पॉइंट पर पहुंचेगा। और ये डिस्टेंस भी निकालने को आ जाती है कि रिवर ने कितना आगे ट्रेवल कर लिया होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट का काम है वो तो, है ना, क्योंकि आगे तो यहाँ से रिवर ही चल रही है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही चल रही है। बट यहाँ पे ध्यान दो, ट्रायंगल पे ध्यान दो, इसका नाम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेक्टर की लैंग्वेज में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा बच्चों, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा। तो वी बी का वेक्टर प्लस ऑफ वी आर का वेक्टर हो जाएगा। एंड इफ समबडी आस्क यू कि कितना होगा ये, तो वी बी आर लिखना होगा, ठीक है, मॉड लगाया तो मैग्नीट्यूड में आ गई टर्म। तो देखो ना यहाँ पे पाइथागोरस से भी दिख रहा होगा आप लोगों को कि एंगल की जरूरत नहीं है हाइपोटेनियस है। तो हो जाएगा वी बी का स्क्वायर प्लस ऑफ वी आर का स्क्वायर, जहां एक पेज पहले माइनस लग रहा था, देखो प्लस लग रहा है। आप समझ रहे हो बच्चों, तो ये जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो मैं यहां लिखता हूं टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ की जगह पर अब टाइम आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, तो बोलोगे सर डब्लू कवर करना है ना। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ बच्चों, एनीबडी हैज एनी आइडिया? अरे ये हो जाएगा ना बच्चों, पीछे वाले में क्या किया था अपन लोगों ने, नेगेटिव सिंबल लगाया था वी बी आर वाला, है ना। तो यहां पे अपन को, तो बच्चों ये हो जाएगा वी बी आर का टर्म, इसको सॉल्व कर लो, बोलो आंसर बोलो, वी बी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब देखो ना वेलोसिटी अगर ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई कर रहा है अपने टाइम को, शॉर्टेस्ट टाइम का हो जाएगा। और यही पीछे वाले टॉपिक से मैंने यार नेगेटिव लगाया था, तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से अपन इनडायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन देख के भी समझ सकते हैं दैट सेकेंड केस में टाइम कम लग रहा है ना, टाइम इज टेकिंग अ लेस टाइम ना, वो स्विमर इज टेकिंग अ लेस टाइम। तो इस तरह क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, अगर हमें ऐसा पूछता है शॉर्टेस्ट टाइम में आना तो ये हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ में आना होगा तो वो ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पे अपने आप को जंप कराएगा, और अगर एंगल के करके आ गया तो ये एंगल से अपन रिजोल्व करके सॉल्व कर लेंगे इसको। ऑलराइट बच्चों, यहां तक का हो गया है? ऑलराइट बच्चों, ये कुछ बेसिक से प्रॉब्लम से कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है रेन वेलोसिटी इज 3 किलोमीटर पर आवर, और एक मैन है जो वॉक करता है 4 की स्पीड से। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, अगर डायग्राम से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि वी हैव अ सरफेस, और यहाँ पर कोई मैन होगा जो राइट साइड चल रहा है, किससे, 4 से, है ना, और अम्ब्रेला वगैरह ऐसे लेके चलते हैं ना अपन लोग बारिश में, ठीक। तो रेन कैसा फॉल करेगा, ऑब्वियसली बच्चों डाउनवर्ड ही आएगा ना रेन। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जहां पे रेन को किसी इंक्लाइंड एंगल से गिराते हैं वो लोग, वो भी अपन देख लेंगे, वहां पे क्या करना होता है, रेजोल्यूशन करना होता है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको सॉल्व करते ही समझ में आ जाएगा कि सर करना कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, राइट साइड पे वेक्टर है वो 4 का बनेगा और ये वेक्टर 3 का बनेगा, दैट्स इट। ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये, वेलोसिटी ऑफ रेन है। हमसे बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन मैन रिलेटिव, है ना। तो रेन और मैन का क्वेश्चन है ये, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आना चाहिए बच्चों, जल्दी बोलो। हम मैन को यहाँ रोक देंगे और इसको रिवर्स में लेकर जाते हैं, क्यों भाई, उसके रिस्पेक्ट में चेक करना होता है ना। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा ना, देखो आंसर तो एक झटके में आ रहा है, लेकिन मैं पूरा मेथड से आपको बता रहा हूँ कि आप बाद में गलती ना करो,
तो ये जो रिजल्टेंट बना है ना, ये रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और यहाँ है वेलोसिटी ऑफ रेन। आंसर आना चाहिए रूट के अंदर। बोलो, क्वेश्चन पढ़ के बिना पेन पेपर चलाए भी ये आंसर एमसीक्यू मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉपी में आता है तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जाएगा। आंसर मार्क होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं वर्टिकली 10 की स्पीड से। क्या कर रहे हैं बच्चों? 10 की स्पीड से। तो क्वेश्चन है, द साइक्लिस्ट ऑन द रोड, उसको साइक्लिस्ट को कितने पे दिख रही है ये? 20 पे। तो साइक्लिस्ट वाले की स्पीड कितनी होगी? तो ये रिवर्स पूछ लिया गया क्वेश्चन है अपन से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कितना इजी है ये। मान लेते हैं कि रेन का जो वेलोसिटी है वो 10 है, विच मीन्स दैट हमारे पास कोई ऐसा साइक्लिस्ट होगा बच्चों सरफेस पे, है ना। मान लो ये तुम्हारा कोई साइक्लिस्ट है जो आगे की तरह से चल के जा रहा है ना, इस तरह से। तो रेन जो होगा बच्चों डाउनवर्ड होगा, कितने पे गिर रहा होगा? ठीक। और वेलोसिटी ऑफ मैन हमको नहीं मालूम, यही निकालना है साइक्लिस्ट कितनी है। इनका जो रिजल्टेंट है वो मालूम है, इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाते आंसर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन आता है और राइट साइड में कौन जाएगा? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो गिवन है ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकेंड। ये कब निकलेगा बच्चों? जब आप मैन को यहाँ पे रोक दोगे और उसको रिवर्स करोगे। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? यू विल बी डूइंग लाइक दिस। और यहाँ पे जब पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा इस तरह से, तब तो आपको रियलाइज होगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो अपन को गिवन है। ये रिजल्टेंट गिवन है, कितने का रिजल्टेंट गिवन है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये गिवन है 20 का। बस बात खत्म होती है यहीं पे। अगर हाइपोटेनियस पता है और एक साइड पता है, तो दूसरी साइड तो निकल ही आनी चाहिए ना अपन से। देयर फोर वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा रूट के अंदर? बोलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ रेन का स्क्वायर। इसलिए मैं आप लोगों को वेक्टर इतने अच्छे से पढ़ा रहा था। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर, कितना होना चाहिए ये? अरे ये कितना होना चाहिए? ये बच्चों 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा? ये 300। दैट मीन्स 10 बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा, और यही तो आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में साइक्लिस्ट की स्पीड पूछी है, तो राइट साइड में साइक्लिस्ट चल रहा होगा, ठीक है। और जब जब मैं ऐसा लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, मतलब साइक्लिस्ट के ऊपर आके अपन बैठ जाएंगे, एंड एट दैट मोमेंट उसको आपको रिवर्स करना होगा बच्चों। ये है लॉजिक अपना अंडरस्टैंडिंग का। ओके,